हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, जयंती स्टेडियम में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा आने वाले हैं 25 अप्रैल को। तो आज दोस्तों 25 अप्रैल है और आज से कथा चालू है, तो अभी से काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अभी आप लोगों को ले कर चलूँगा और दिखाऊँगा कैसा माहौल है, क्या है। मेरे को तो लगता है पहले ही दिन अच्छा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है भीड़। तो चलते हैं, देखते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग लगा हुआ है, काफ़ी सारा गाड़ी यहाँ खड़ा है और ये सामने वाला रोड गया हुआ है। तो अभी अपन चलते हैं। तो देखो भीड़ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये सब पूरे ऑटो में आए हुए हैं, ऑटो को वहीं पे रोक दिया जाता है और यहाँ से पूरा पैदल आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। और ये सामने में बैरिकेड देख सकते हैं, यहाँ से सबको पैदल जाना है। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और गाड़ी उड़ी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और ये देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका है, पूरा रोड देख सकते हैं, पूरा भीड़ ही भीड़ दिख रहा है। तो ये सब बहुत दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए कथा। ये देखो ये सब दुर्ग वाले हैं, और भी लोग जा रहे हैं देख सकते हो आगे, ये मेरे पीछे देख सकते हो, और भी लोग आ रहे हैं। पूरा रोड भीड़ हो चुका है, तो आज तो काफ़ी ज़्यादा माहौल बनेगा यहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं पंडाल के पास में, ये सामने देख सकते हो ये गेट है। तो यहाँ से चार गेट आपको मिलेगा, तो यही पहला गेट है जिससे पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी जाएंगे कथा करने के लिए। और यहाँ का भीड़ देखो काफ़ी ज़्यादा है, और ये देखो दुकान उकान भी लगना शुरू हो चुका है पूरा, देख सकते हो सामने है गेट। तो यहाँ का चार गेट है, एक पहला है, एक उस साइड से दूसरा है, और इधर भी ये दो ठो, तो उधर भी आप लोगों को लेके चलेंगे और अपन वहीं से एंट्री करेंगे। यहाँ पे भीड़ देखो काफ़ी ज़्यादा है। और ये रुद्राक्ष चेक कर रहे हैं, रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष। दोस्तों हम लोग पंडाल के अंदर आ चुके हैं, ये देखो कितना भव्य पंडाल है और काफी ज्यादा भीड़ हो चुका है। आज पहला दिन है, कितने लोग आए हुए, तभी अंदर आप लोगों को लेके चलेंगे और अंदर का भी माहौल दिखाएंगे कैसा है, कितना भीड़ है। तो अभी अंदर चलता और आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ भी। और इस साइड देखो दोस्तों पूरा दुकान लग चुका है, आज पहला दिन है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो ये देखो इसको देख लो, इसके बाद अपन चलेंगे पंडाल के अंदर में, उसका भी नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देख सकते हो काफ़ी लंबा पूरा पंडाल लगा हुआ है, ये सब पूरा दुकान है, तो आप लोगों को जो चीज़ चाहिए होगा तो यहाँ ले सकते हो। और ये सामने में पंडाल है और भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, वो भी आप लोगों को ले कर चलेंगे। तो ये देख सकते हो ये पंडाल है, यहीं पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का कथा होगा, तभी अपन अंदर चलेंगे। और यहाँ भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, देख सकते कितने लोग आ रहे हैं। और ये देखो पूरा पंडाल फुल हो चुका है, ये भी आप लोगों को दिखाते हैं सामने से। तो ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया, अंदर में जगह नहीं है। वहीं अपना दान दे दे, वो दान आपका। ये देख सकते हो सामने बैठ के पंडित श्री प्रदीप से कथा करेंगे। एक बार आप लोगों को अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये देखो यहाँ पे करेंगे कथा। यहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अंदर ले जाके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इस साइड भी देख सकते हैं पूरे लेडीज़ों का भीड़ दिख रहा है झुंड यहाँ पे। Thank you.
ये बांस लग गई है। काफी ज्यादा भीड़ है।